प्रणाम सर। पूछो, एकदम आज टाइमली आई हो। सर सुबह खाना थोड़ा बनाते हैं, लेट हो जाता है इसलिए। सर गुरुजी प्रणाम। पूछ रहा हूँ। प्रकार प्रकार उत्पत्ति के नियम पढ़ाएंगे अभी। उत्पत्ति के नियम उत्पत्ति के नियम, लॉज ऑफ रिटर्न्स। उत्पत्ति के नियम अल्पकालीन अल्पकालीन उत्पादन नियम कहा जाता है। यह तीन प्रकार का होता है। यह तीन प्रकार का उत्पत्ति का वृद्धि नियम उत्पत्ति का समता नियम उत्पत्ति का
हरासन है। लिख लिए? जी सर। जी सर लिख लिए। उत्पत्ति का विधि नियम अन्य बातें स्थिर रहे तब श्रम में 10% वृद्धि करने पर उत्पादन में 10% से 10% वृद्धि होगी। इसी को उत्पत्ति का विधि नियम कहते हैं। इसे चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लिख लिए? जी सर। उत्पत्ति वृद्धि नियम श्रम में 10% वृद्धि होता है उससे 10% उत्पादन में 10% होता है।
हो गया चित्र? जी सर हो गया। दूसरा है उत्पत्ति, समता नियम। इसमें श्रम की मात्रा में जितना परिवर्तन होता है ठीक रहता उतना ही उत्पादन में वृद्धि होती है। इसे चित द्वारा लिख लिए? जी सर लिख लिए। जैसे 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 श्रम वृद्धि होती है वैसे वैसे उत्पादन में घटते हुए दर से वृद्धि होती है। जैसे श्रम श्रम में वृद्धि होती है
वैसे वैसे उत्पादन में घटते हुए दर से वृद्धि होती है, वैसे वैसे उत्पादन में घटते हुए दर से वृद्धि होती है। इसे उत्पत्ति हरास नियम कहते हैं। इसे चित्र में दर्शाया गया है। इसे उत्पत्ति हरास नियम कहते हैं। इसे चित्र में दर्शाया गया। हर बार बढ़ेगा लेकिन पिछले की तुलना में कम। बन गया जी सर। उत्पत्ति के तीनों नियमों को एक साथ चित्र में उत्पत्ति उत्पत्ति
लिख लिए? जी सर लिख लिए। मार्शल के अनुसार कृषि उत्पादन में खींचो मार्शल कृषि के उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम तुरंत लागू होता है। जबकि उद्योग में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। मछली पकड़ने के उद्योग ईट उत्पादन उद्योग मछली के पकड़ने के उद्योग ईट उत्पादन उद्योग अन्य उद्योग में उत्पत्ति वृद्धि नियम आरंभ में लागू होता है। किंतु मार्शल का कहना है कि उत्पत्ति ह्रास नियम अंत में हर तरह के उत्पादन पर
लागू होगा। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम जल्द लागू होगा। जबकि उद्योग में लिख लिए? जी सर लिख लिए। जी सर। उद्योग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, research and development, R&D, नए नए खोज नव प्रवर्तन के कारण आविष्कार के कारण मैंने खोज नव परिवर्तन के कारण आविष्कार के कारण उत्पत्ति वृद्धि नियम को देर तक उत्पादन में लागू किया जा रहा है। USA, जापान, जर्मनी में ले लिए? जी सर। जी सर लिख लिए। जर्मनी में देर तक उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू रहती है। किंतु अंत में कृषि या उद्योग सभी में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा ही। Thank you.
लिख ली प्रियंका? जी सर हो गया। That's all. प्रणाम सर। गुरुजी प्रणाम।